लोन देने के कोई नाम पे दिक्कत आपके नहीं है। भैया ओए जितने भी घर ओए है ना, बात सुनो, जमीनें हैं, मेरा सारा सुनो, कब्जा बात कर सुनो। लेंगे ओए ओए आपसे। और खुद ही गए, हम तो इंडियन नहीं है जो मान लाख 4,000 के लोन के पीछे खुदकुशी कर ले। अब हम बहुत संभाल लेते, जो टेंशन ना ले। 1,000,000 ये क्या किसने हो गया, कहा कि महंगाई आपके होगी यहाँ तो पे लोग क्या। सुसाइड नहीं करते हैं? सुसाइड नहीं करेंगे तो हथियार उठा लेंगे, गलत काम करेंगे, मेरा कहाँ लंड से उठा लो, लाएंगे मेरा पैसा? फिर लंड उठा लो सारा। चाइनीज जो हैं वो चाइनीज आएंगे, फिर उनका आपको मजबूरन चूसना पड़ेगा, और कोई उपाय बचेगा नहीं। सर आपकी माँ की चुप। सर नहीं, फिर सर आप चाइनीज क्या आपको काम से इसी क्या तरीके से व्यवस्था करेंगे। करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा आपके घर में घुस घुस के। अरे आपकी माँ की फूफी है चाइनीज की भी साथ, गांडू औरत के बच्चे। तू बैंक से चाइनीज साइबर को क्राइम गाली वाले जरा लड़ने देख के आती दिखाओ करती तो तेरा मैं जरा लाइफ। डाल दूंगा यूट्यूब चुप पे। गांडू, गाली तेरी आगे माँ की हिम्मत है ना तो चुप, चाइनीज को तेरी गालियां माँ की दो। चुप, तेरी माँ की चुप। चुप बहन चाइनीज को लड़े, गालियां गांडू दे रहे लफड़ा। हो तुम? पूरा मेरा चाइना चुप, सुन, अब मेरा सुन रहे चुप, हैं? गाली नहीं देनी तेरी। बहुत तुमको चुप खोज के तुम्हारा, निकाल लेगा चाइना। जिस दिन चाइना मैं ने तेरी चाहा माँ ना को डाल तुम्हारे दूंगा देश में बैंड बॉम्ब गिरा छोड़। देगा। मेरे लंड पे चढ़े चैनी भी, और तू भी बैंड छोड़ के बचे। काम करते और पैसा लेते हैं, तेरी माँ का लंड है बैंड छोड़ के बचे। गांडू ये कोई काम है? लफड़, ये जो तुम कर रहे हो उसको काम बोलते हो? साइबर क्राइम वाले इस तमीज से बात करो। इंडिया जा। हेलो मैं हेलो, बताऊं तुम्हारा काम कैसे चलता है? D1, D2, S1, S2। पहले दिन, छठे दिन से परेशान हाँ करना, फिर 30 दिन तक कैसे परेशान करना। एक बात बताऊं तुम्हारे इसको तुम्हारे तो यहाँ पूरा पे भी ना माजरा हर कोई पता है। आतंकवादी बोलना, नहीं है। बहुत से नेक लोग हैं जो कि तुम्हारे यहाँ से निकल कर आते हैं और हमें बताते हैं कि किस तरीके से, सर हमारे यहाँ पे एक चाइनीज मैम है, हमारे पाकिस्तान में खुलेआम इन लोगों ने कॉल सेंटर खुलवा रखे हैं, और हम लोग उससे हिंदू के नाम पे धर्म का गेम खेलते हैं और कहते हैं इंडियन को, हिंदू को परेशान करो, इनकी जान जाए तो जाए, लेकिन इनको धमका के डरा के पैसे वसूलो। इन फेक ऐप से डरने की, परेशान होने की, पैसे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वरना जितना आप देंगे उतना ज़्यादा आप मुसीबत में पड़ेंगे। लोग ये सोचते हैं कि हमारे खाते में पैसा आया है, हमें वापस करना होगा, वरना हम ही कहेंगे ना कहीं गलत है। नहीं, आपके खाते में जो पैसा आया है वो कोई लोन अमाउंट नहीं है, आपने कोई लोन नहीं लिया है, ये कोई लोन ऐप्स भी नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको परेशान कर रहे हैं, इनसे कैसे बचना है, जिससे कहीं से भी आपको ना इनका पेमेंट करने का टेंशन रहे, ना इनके ब्लैकमेलिंग कॉल या मैसेज का आपको या आपके कॉन्टैक्ट को, ना ही कहीं से कॉन्टैक्ट में बदनामी का या फोटो या मॉफ वीडियोस या शेयर करने का डर। इनके अगेंस्ट कहाँ कंप्लेन करना है, आपको अपने बचाव में क्या स्टेप लेना है, जिससे आपका समय, पैसा, मानसिक परेशानी बचे और आप खुद को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल पाएं। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जिस भी ऐप से परेशान है, ऐप का नाम, प्रॉब्लम व्हाट्सअप करें, इंस्टेंट सॉल्यूशन लें और खुद को बाहर निकालें।